हाय गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा आप सबका प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। हे, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। गाइस, सुबह के बज गए हैं 8 और आज था संडे, इसलिए मैं थोड़ा लेट सोकर उठा तो लेट ब्लॉगिंग चालू किए। गाइस, आज बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मज़ा आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने बेल आइकॉन ऑल पे सेट नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे। गाइस, यहाँ पर तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत है, 26 डिग्री तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपके इधर तो माइनस में चला जाता है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री। तो गाइस, ठंडी में अपना बचाव करिए, ठंड से बचिए और जितना हो सके गरम गरम चीज़ें खाइए और यार बिल्कुल अपना ख्याल रखिए। देखो, मुझे तो बहुत टेंशन होती है, मैं अभी जम्मू गया था, हालत ख़राब हो गई मेरी वहाँ पे। तो प्लीज़ यार, जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, ठंड से बचिए, अपना ख्याल रखिए। दोस्तों सर्दी में ना धूप का मज़ा ही कुछ और है, बहुत अच्छी लगती है धूप। यही धूप गर्मी में बहुत चुभती है, समय समय की बात है। कभी पलड़ा धूप का भारी तो कभी पलड़ा सर्दी का भारी, बहुत सीख मिलती है मौसम से। ये पेपी है ना, पेपी ये आई है घूमने के लिए और ये देखो इसके दोस्त उसके साथ खेलने के लिए। सब संडे था ना, आज सोकर लेट उठा। सो गाइस, आज नाश्ते में है इडली, मेंदू वड़ा, इडली सांभर, क्योंकि इसका जो नाश्ता होता है ना हल्का फुल्का होता है और डाइजेस्टिव होता है। हे गाइस, मैं अभी आया हूँ रिफ्रेंस सैलून में हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि पुणे में नेशनल है तो थोड़ा सा तैयार व्यार होके जाएंगे यार, अच्छा लगेगा। तो ये है रिफ्रेंस सैलून जो कि यहाँ पंचवटी नाके पे है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, बहुत अच्छी जगह है और मेरा तो ये फैमिली सैलून है इसलिए इन्होंने नाम ही डाल दिया है रिफ्रेंस फैमिली सैलून। अभी हेयर कट हो गया और कपड़े लेके आए ऋषभपुर में। तो चलो जो ही, चलो घर पे, चलो। देखो, घर पे जाने के लिए नहीं बोल रहा है, उसको यहीं पे अच्छा लग रहा है, शायद धूप लग रही है इस वजह से। हे गाइस, शाम के बज गए हैं 6 और मैं निकल रहा हूँ मेरी कराटे क्लास के लिए। तो गाइस देखिए, जो अभी ओमिक्रोन कोरोना का एक रूप है वो फिर से अपने पैर पसार रहा है। गाइस, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मास्क ज़रूर लगाइए और समय समय पर अपना हैंड सैनिटाइज करते रहिए और हो सके तो दूरी बना के रखिए। नहीं,
सात छः गो रब सच आच को जो एच नी सन से गो रुक सच आच को जो अब मजा आया।